नमस्कार दोस्तों, मैं झालर वाली मिक्सिंग फ्लैट की दूसरी पार्ट लेके आ गया हूँ। तो मैं इसमें उसका फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो मैंने सारे लाइट को कट कर लिया है। आप देख सकते हो कि इसमें अब लाइट नहीं है। इसी तरह से मैंने आप सभी को तीन लाइट दिखाई थी, तो मैं ये तीनों लाइट को एक साथ मिक्स कर दूंगा। तो मैंने इसकी सारी लाइट निकाल के अलग रख ली है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हरी वाली लाइट है, इसे मैंने लाइट से वहाँ कट कर दिया है। तो ये देखिए, ये पीली वाली लाइट है, इसे मैंने अलग कर लिया था। और ये बैगनी वाली लाइट है, मैंने इसे भी कट कर लिया। और ये है जो लाइट में मिक्स है, ये देखिए। तो मैंने इनके जितने भी लाइट थे उसे मैंने अलग से निकाल लिया है। मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ये देखिए, तो मैंने इन तीनों लाइट को के वायर को अलग कर दिया है। तो इसे मैं अब कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले हमें इस वायर को खोल लेना, तो मैं खोल लेता हूँ। तो मैंने अब इसे खोल लिया है, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लाइट है, तो ये जो हमारा वायर है, आप देख सकते हो कि ये पूरी तरह से खाली है, इसमें लाइट एक भी नहीं है। मैंने इसमें ये लाइट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा पावर वाला बल्ब रहता है, अगर ये हमारा टूट जाता है तो ये लाइट नहीं जलेगी, फ्यूज हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। तो मैंने यहाँ पे इसका वायर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं एक एक बल्ब को कनेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ये पिंक कलर वाला बल्ब को यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूँगा। इसके बाद इसमें वायर लगा के इस पीले वाले लाइट को मैं साथ में लगा दूँगा। तो इस तरह से हमें इसमें कनेक्शन करनी है। तो मैं अभी से कर लेता हूँ। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे सोल्डरिंग किया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा थ्री कलर वाला झालर लाइट है। तो मैंने इसे पहले मैंने इसमें टेप लगाया, उसके बाद मैंने इसमें ग्लून की मदद से इसे चिपका दिया है जिससे ये अलग ना हो। तो इसे मुझे बनाने में 2 से 3 घंटे लग गए। तो मैं अभी एक ही बनाया हूँ क्योंकि आप सभी को बताना था इसके कारण से। तो मैं आपको इसी से इसकी टेस्टिंग करके आज बताता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। चलिए अभी इसे हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है, तो चलिए हम इन दोनों वायर को इसमें लगाते हैं। तो हमने इसे लगा दिया है, तो चलिए आप स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे ही ऑन किया
ये कितनी अच्छी तरह से ये जल रहा है। मैं लाइट को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए, ये इतनी अच्छी तरह से जल रहा है। आप इसे बना सकते हो, आपको भले ही इसमें मेहनत लगे लेकिन आप इसे बनाकर पैसे बचा सकते हो। ये वही लाइट है जो ख़राब हो गई थी, मैंने उससे इसे लगाकर इसे बनाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं इतना बता दूंगा फिर से आप सभी को कि आप इसे लाइन में डायरेक्ट लगा कर ना देखें, पहले आप सावधानी बरते, क्योंकि ये वायर कटी हुई बहुत तरीके से रहती है, तो आप उसे पहले चेक कर लें। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।